सर वन मोर थिंग, जैसे हम लोग अब न्यूरॉन की हम लोग बात कर रहे हैं, राइट, तो एज आई टोल्ड कि एवरी मिनट यू आर 1.9 मिलियन न्यूरॉन्स अभी आपके ऑफ जा रहे हैं, राइट। तो अगर किसी को ब्रेन स्ट्रोक हो जाए, राइट, तो उसको ठीक होने के लिए सबसे पहले कि सब न्यूरॉन्स को आप ग्रो करें, राइट, लेकिन उसको ग्रो कैसे किया जाए नेचुरली? देखो दो चीज़ का चीज़ बताना चाहूँगा यहाँ पे। जैसे किसी को इस तरह का ब्रेन अटैक आता है, स्ट्रोक होता है, सबसे पहला काम है कि आप टाइम वेस्ट ना करें, राइट, प्रॉपर जगह पे जाएं जहाँ पे स्ट्रोक की ट्रीटमेंट हो रहा है। तो स्ट्रोक के ट्रीटमेंट कहाँ पे होता है, जहाँ पे एटलीस्ट जो हॉस्पिटल्स हो या सेंटर हो, जहाँ पे सिटी स्कैन एमआरआई का फैसिलिटी, जहाँ पे न्यूरोलॉजिस्ट है, न्यूरो इंटरवेंशनिस्ट है, या स्ट्रोक सेंटर जहाँ पे स्ट्रोक, तो उसमें क्या होगा, पर टाइम सेव हो जाएगा। यहाँ पे टाइम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट है, राइट। सो एक एक मिनट में, जैसे आपने बताया ना, मिलियंस ऑफ न्यूरॉन्स गेटिंग डैमेज, सो आपको सबसे सिंपल सा बात है, ब्रेन में एक जगह पे ब्लॉक हो गया, खून नहीं जा रहा है, हमें उसको खोलना है, खोल लेंगे कि दो तरह का खोलने का तरीका है, एक तो हम एक इंजेक्शन दे दें जो कि क्लॉट को डिसॉल्व कर दे, घोल दे, और दूसरा है कि हम अंदर से छोटे छोटे कैथेटर लेके ब्रेन तक पहुँच सकते हैं, ओपन सर्जरी नहीं है, अंदर अंदर पहुँच जाते हैं और क्लॉट को खींच के बाहर निकाल देते हैं, right, जैसे कि रास्ता खुल जाए, ये दो प्रकार। सो दैट इज द क्लास वन एविडेंस वर्ल्ड वाइड। आपको किसी को भी वर्ल्ड में बेस्ट टू बेस्ट सेंटर में ले जाए, या यूएस में ले जाए, सिंगापुर में ले जाए, कहीं भी बेस्ट टू बेस्ट सेंटर में ले जाए, दिस टू ट्रीटमेंट जो मैंने आपको बताया क्लॉट के लिए, यही दो ट्रीटमेंट दिया जाएगा, और यही दो ट्रीटमेंट सबसे अच्छा ट्रीटमेंट है जिसमें कंप्लीट रिकवरी भी हो सकता है, जैसे आपको हुआ है, राइट, है ना। सो मेरा ये मानना है, किसी को भी इस तरह का प्रॉब्लम होता है, टाइम ना वेस्ट करे और जल्दी से डॉक्टर साहब की सलाह लें, और जो कि हम क्लॉट डिसॉल्व कर सकते हैं या क्लॉट को रिमूव कर सकते हैं। जहाँ तक आपने बताया कि वो रीग्रो का बात है, हाँ, ओवर द टाइम वो नेक्स्ट स्टेप पे आता है कि आपको बाकी सारा प्लास्टिसिटी बढ़ाना है फिजियोथेरापी रिहेबिलिटेशन के साथ उसको ओवर द टाइम, बट ये जो पहले जो 4.5 आवर्स का 4.5 घंटा गोल्डन आवर्स बोलते हैं हम इंजेक्शन देने के लिए, और क्लॉट रिमूवेबल वाला जो है अप टू 24 घंटा तक भी कर सकते हैं हम, बट 6 आवर्स तो करना सबसे अच्छा रहते हैं। तो वो मतलब जो पहले बेस्ट आपका आउटकम है, मतलब जिसमें कि कंप्लीट रिकवरी हो सकता है, वो करना ज़्यादा ज़रूरी है, और वो अवेयरनेस लाना काफ़ी ज़रूरी है, राइट, राइट। बिकॉज एज आई सेड कि एक मेरे जो एक स्टूडेंट थे, उनको ब्रेन स्ट्रोक था, right. तो उनको 1 वीक तक उनको पता ही नहीं चला कि उनको ब्रेन स्ट्रोक था। उनको पता कैसे चला कि पिछले 1 वीक से उसको नींद ही नहीं आ रही है, वो कम्प्लीटली पेन हो रहा है, हेडिंग हो रहा है बहुत ज्यादा, उसको पता ही नहीं चल रहा है मेरे साथ हो क्या रहा है इस तरीके से। तो वो भी एक उसका रीजन, मतलब उसके यहाँ पर रह चुका है, राइट। तो सर चल वैसे पता, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं बोलता हूँ कि ब्रेन स्ट्रोक, तो हमारे पास 2 तरीके से, राइट, या तो आपका क्लॉट हो जाए, राइट, या फिर आपके अंदर ब्लड जो है वो फट जाए। अब दोनों केस में किस तरीके से दवाइयाँ दिया जाता है, वो दोनों बहुत डिफरेंस है। एक अब फटता तब है जब आपके पास ब्लड थिनर हो, राइट, या फिर आपका हाइट प्रेशर हो, डीबीपी हो बहुत ज्यादा, राइट। और जो क्लॉट है उसमें इस तरीके में होता है कि जब आपके पास कोलेस्ट्रॉल बहुत ज्यादा बढ़ जाए, और दोनों की दवाइयां बहुत अलग है, राइट, एब्सोल्युटली। यार अक्षत, मैंने बहुत इंटरेस्टिंग चीज पूछा है, और इसका आपने जवाब भी एक बार दे दिया है, राइट। मैं बताता हूँ, जैसे आपने बताया ना कि सेल्फ मेडिकेशन, जैसे किसी को लकवा होता है, लकवा का अटैक आता है, हाथों में पाँव में कमजोरी हो जाता है, आप घर में बैठ के ये मत सोचिए कि उनको एस्प्रिन दे दें, गोली दे दें, क्योंकि एस्प्रिन का जो गोली है वो है कि खून पतला करने वाली गोली, आप सोच के देंगे कि स्ट्रोक हो गया तो एस्प्रिन दे देते हैं, तो ये आपको हेल्थ से ज़्यादा नुकसान भी कर सकता है। कैसे, जैसे मैंने बताया ना, 2 प्रकार का स्ट्रोक है, एक तो कि ब्रेन में क्लॉट जाने की वजह से होता है, या आपका दूसरा है कि ब्रेन नसें फटने के। अभी पकड़ लीजिए, हमें बाहर से तो पता नहीं चलेगा, बाहर तो हाथों में कमजोरी आया होगा, है ना, तो उनको ब्रेन जब हम सिटी स्कैन करेंगे तभी हम इजीली पता कर सकते हैं कि ये ब्लीडिंग के वजह से हुआ या नहीं है, right. किसी को ब्लीडिंग के वजह से हुआ, उसके ऊपर आप खून पतला करने वाली दवाई दे रहे हो, तो वो और भी खतरनाक बन सकता है, बिल्कुल। तो जैसे मैंने बताया कि अराउंड 15-20% में जो है स्ट्रोक होता है आपको ब्लीडिंग के वजह से है, उसका ट्रीटमेंट काफ़ी अलग है, है ना, उसमें हम इस खून पतला करने वाली दवाई नहीं देते हैं, जो कारण है, जैसे बीपी के वजह से हो तो बीपी के कंट्रोल करना, बाकी सारा चीज़ करना। कभी कभी होता है कि ब्रेन में एबनॉर्मल नसों की गुच्छे बन जाता है और उसी फट जाता है, या कि नहीं तो कभी गुब्बारे है ब्रेन में और गुब्बारे फट जाता है, उसके वजह से ब्रेन में ब्लीडिंग हो सकता है। तो सबका जो ट्रीटमेंट है अलग है, वो डिपेंड करेगा कि किसके वजह से ब्रेन में ब्लीडिंग हुआ है, है ना, तो वो सारा अलग है। जैसे क्लॉट के वजह से है तो क्लॉट का ट्रीटमेंट कंप्लीट अलग है, जिसमें उसमें खून पतला करने वाली दवाई दिया जाता है,
आगे दोबारा क्लॉट ना बने, कोलेस्ट्रॉल कम करने के लिए दवाई दिया जाता है, जो ब्रेन में डैमेज हुआ उसको रिकवरी के लिए दवाई दिया जाता है, ब्रेन में जो डैमेज हुआ है उसके वजह से दौरे ना पड़े जैसे आपने बताया ना, उसके वजह से भी दवाई कभी कभी देने की जरूरत पड़ सकता है। ये सारा चीज़ आते हैं, जैसे उनको हाथों में कमजोरी आ गया, ज़्यादा आकड़पन आ गया है, स्पास्टिसिटी जिसको बोलते हैं, उसके लिए दवाई देने की जरूरत पड़ सकता है। सो ये सारा स्टेप नेक्स्ट स्टेप पे आते हैं। और लेकिन फर्स्ट स्टेप जो है, किसी को ये तरह का प्रॉब्लम आते हैं तो डॉक्टर के पास जाए और इसका ट्रीटमेंट लो। राइट सर, टोटल हमें लगभग ऐसे रिकवरी में कितना टाइम लगता है? मैं देखा कि आई थिंक लास्ट टाइम वी हैड डिस्कशन कि हम लोग 3 मंथ्स के अंदर हम लोग ठीक हो सकता है, और लगभग मैं 2 साल तक ही मैंने मतलब देखा है, तो मतलब टोटल ऐसे रिकवरी होने में टोटल कितना टाइम लगता है? ठीक है, जो इम्प्रूवमेंट है ड्यूरेशन वो डिपेंड करेगा कि ब्रेन में कहाँ पर डैमेज हुआ है, है ना। सो ब्रेन में जैसे हम बोलते हैं ना, कभी माइनर स्ट्रोक हुआ है उनका तो काफ़ी रैपिडली इम्प्रूवमेंट आ जाता है, किसी किसी को लार्ज स्ट्रोक हो गया है, कंप्लीट पैरालिसिस हो गया है, उनको काफ़ी समय लगता है। और साथ में ये भी डिपेंड करता है कि ट्रीटमेंट कब लिया है और कितना इफेक्टिव ट्रीटमेंट था, है ना। जैसे हमने देखा है, आपके साथ भी तो था, जैसे आपने लेफ्ट साइड में जब आए थे आपका लेफ्ट साइड कंप्लीट पैरालिसिस था, सो आपने अच्छे से बातचीत नहीं कर पा रहे थे, आपको कंप्लीट पैरालिसिस था। लकीली टाइम पे आया, हमने अंदर जाके वो क्लॉट को रिमूव किया, आप ऑन टेबल पे आपका हाथों में पावर आ गया है, बातचीत करना शुरू किया और कुछ ही दिन में एब्सोल्युटली नॉर्मल हो गया। सो इस तरह का जो मिराकुलस थिंग जो है, मतलब बहुत ही अच्छा वाला चीज़, ये भी हो सकता है जो कि विद इन डेज भी हो सकता है, विद इन आवर्स भी हो सकता है, बट दैट डिपेंड्स अपॉन कि इफेक्टिव ट्रीटमेंट कब लिया है और कैसे लिया है ना? एक तो ये है, और दूसरा है कि ब्रेन का जो कौन सा एरिया डैमेज है एंड हाउ मच, मतलब एरिया जो डैमेज है कितना ज़्यादा एरिया डैमेज है, तो उसके ऊपर डिपेंड करता है। बट जैसे ये एक्यूट फेज निकल जाए, पकड़ लीजिए कोई कोई मतलब हो सकता है कोई गांव में है, बहुत दूर में है, शहर तक पहुंच नहीं पाया, वो सेंटर तक नहीं पहुंच पाया, आइडेंटिफाई नहीं कर पाया, इसका मतलब ये नहीं कि उनको इम्प्रूवमेंट नहीं आएगा। उनके लिए भी ये है कि आप पकड़ लीजिए गोल्डन आवर्स आप मिस भी कर दिया, उसके बाद भी आपको डॉक्टर के पास के दिखाना चाहिए क्योंकि विथ ट्रीटमेंट आपको काफ़ी इम्प्रूवमेंट हो जाता है। सर ब्रेन स्ट्रोक के लक्षण क्या हो सकते हैं? देखिए हिमांशु, तुम्हारा क्वेश्चन काफ़ी इम्पोर्टेंट है एक्चुअली। देखिए एक आम आदमी के लिए ब्रेन स्ट्रोक या ब्रेन अटैक जो है या स्ट्रोक जो है, उनको किसे पता चलेगा, है ना? तो आपको पता तभी चलेगा जबकि आपको लक्षण के बारे में पता है, तो लक्षण को जानना बहुत ज़रूरी है क्योंकि कभी कभी जो माइनर स्ट्रोक होता है वो हम मिस कर लेते हैं, तो फैमिली मेम्बर्स को लगता है कि यार मैंने सोने के समय शायद कहीं पर लग गया होगा, तो अच्छे से नहीं सोया है, तो मेरे को एस्पिरिन आ गया, इसीलिए हमने शायद हाथों में पाँव में कमज़ोरी आ गया है, ठीक हो जाएंगे, तो हम इसे वेट करते हैं। तो वेट करते करते कि जो गोल्डन आवर्स के बारे में जो बात कर रहे थे कि आपको कंप्लीट रिकवरी हो सकता है गोल्डन आवर में, तो वो आवर मिस हो जाता है। राइट, बाद में पता चलता है कि नहीं तो ये तो ब्रेन स्ट्रोक था। बिल्कुल, तो हमने आज जो आपके साथ बात करेंगे कि किसी को ब्रेन अटैक आता है या स्ट्रोक होता है तो उसका लक्षण क्या है। लक्षण जो एक्रोनिम जो बना हुआ है वर्ल्ड वाइड, एक तो है कि फास्ट है, बहुत ही कॉमन है, फास्ट या बी फास्ट, उससे भी हम पता लगा सकते हैं कि क्या क्या लक्षण है। एक आज नया चीज़ एक के बारे में बात करेंगे, वो भी और एक एक्रोनिम है, दैट इज कॉल्ड सेव मी, नाम भी बहुत ही कैची नेम है। आज हम सेव मी के बारे में बात करेंगे। सो सेव मी स्टैंड्स फॉर व्हाट, उसके बारे में आप बात कर सकते हैं। एस स्टैंड्स फॉर स्माइल एंड स्पीक। सो किसी को इस तरह का आपको डाउट है, उनको स्माइल करने के लिए बोलिए या दांत दिखाने के लिए बोलेंगे तो स्माइल करना ही है, तो उसमें जैसे एंगल ऑफ माउथ जो है मुंह टेढ़ापन देख सकते हैं, जैसे इस तरह का मुंह टेढ़ापन होगा। स्पीच में मतलब वो स्पीच तुतलापन तो आ जाएगा, स्लार्ड स्पीच जिसको बोलते हैं। राइट, ए फॉर आर्म्स, राइट, उनको आप हाथों में या पाँव में कमजोरी आ सकता है जो कि बहुत ही पैरालिटिक जैसे हो गया, तो ऑब्वियस हो गया, ऑब्वियस नहीं है तो उनको आप हाथों आगे इसे हाथ रख सकते हैं और उनको बोल सकते हैं कि इसे करके रख के फ्यू सेकंड्स के लिए रखिए। राइट, है ना, तो उसमें कमजोरी है तो हाथ नीचे आ जाएगा, ड्रिफ्ट हो जाएगा। राइट राइट, या हाथ में ग्रिप में कमजोरी आ गया है, पाँव में चलने में तकलीफ हो गया है। राइट, दैट्स फॉर ए। देन बी फॉर विजन, विजन जैसे आंखों में देखने में प्रॉब्लम आ गया, सब कुछ ठीक था, फटक से ऐसा हो कि मेरे को धुंधलापन दिखाई दे रहा है, डबल डबल चीज़ दिखाई दे रहा है, और अच्छे से देखने के लिए बोलूँगा कि आप एक आंख को बंद कर लो और उनको पूछो कि आप दूसरे आंख से देखो, सिमिलरली डू द रिपीट द सेम थिंग ऑपोजिट आई के लिए। right. तो उससे पता चलेगा कि हमें कुछ एरिया अच्छे से दिखाई दे रहा है या नहीं दे रहा है। ई फॉर इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम मतलब
चलने के समय जैसे हमारे पीछे के जो पार्ट, एक पार्ट है सेरिबेलम बोलते हैं, जो हमारा बैलेंस मेंटेन करता है, राइट, वहाँ पे स्ट्रोक होता है तो उनको चलने में तकलीफ होगा, ऐसे होगा कि दारू पी के चल रहा है ना, सो स्वे करेगा ऐसे ऐसे करके, चलने में स्वे करेगा, तो उनको चलने के लिए बोलिए और देखिए कि इक्विलिब्रियम कैसा है, राइट। देन कम्स द मी वर्ड, मी एम फॉर मिनट्स, जैसे हमने पहले भी बात किया है कि स्ट्रोक जो है, ब्रेन अटैक जो है, उसमें एवरी मिनट्स इज वेरी इंपॉर्टेंट, सो दैट इज कॉल्ड टाइम इज ब्रेन, टाइम ब्रेन है, टाइम लॉस कर लिया तो ब्रेन लॉस हो जाएंगे, right. तो वहाँ पे एक एक मिनट का फर्क है, तो इसीलिए इस एक्रोनिम में एम का मतलब मिनट, सो एवरी मिनट्स इज इंपॉर्टेंट हियर, राइट। ई फॉर इमरजेंसी, सो डोंट, इफ इस तरह का कोई भी तकलीफ आता है तो आप टाइम वेस्ट ना करें, और साथ ही साथ जो नियर बाय आपको स्ट्रोक सेंटर है, या आपको फ़ोन किसी से जिसको न्यूरोलॉजिस्ट हैं, जिनको स्ट्रोक के ट्रीटमेंट कर रहे हैं, या दूसरे लोग हैं, कोई डॉक्टर साहब है जो कि जिनको स्ट्रोक के बारे में पता है, उनसे साथ बात करिए, नियर बाय स्ट्रोक सेंटर में जाए। मैं ये बोलूँगा कि आप जहाँ तहाँ पे जाके टाइम वेस्ट ना करें, जैसे मैंने बोला ना गोल्डन आवर्स है, सो गोल्डन आवर्स जो है 4.5 घंटा तक है जहाँ पे हम ये इंजेक्शन हम दे सकते हैं, और 6 आवर्स या 24 आवर्स तक भी हम ब्रेन में जाके मेजर क्लॉट है तो उसको हम निकाल सकते हैं, राइट। तो मेरा जो संदेश है इससे, जो कि ये जो सिम्टम्स है मैंने आपको जो साथ जो शेयर किया है, इसको आप याद रखें, आइडेंटिफाई, किसी को इस तरह का तकलीफ है तो इसको इग्नोर ना करें, है ना, और इसको आइडेंटिफाई करें और डॉक्टर की सलाह लें।